जिंक्स, ये तो क्या कर रही है? हम लोग दो थैंक यू कार्ड बना रहे हैं। हमारी मैम ने असाइनमेंट दिया है कि अपने बेस्ट फ्रेंड को थैंक यू बोलना है। मेरे 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो मैं 3 कार्ड्स बना रही हूँ। तुम्हारी दोस्ती तो बिल्कुल कौए, कछुए, चूहे और हिरन जैसी है। हैं? ये कब दोस्त बन गए? बताती हूँ। एक बार की बात है, 3 दोस्त हुआ करते थे, एक कछुआ, एक कौआ और एक चूहा। तीनों बैठे बैठे बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक घबराया हुआ हिरन तेजी से भागता हुआ नदी के किनारे आ पहुंचा। उसे देखते ही कौआ तुरंत पेड़ पर उड़कर बैठ गया, चूहा झाड़ी में छुप गया और कछुआ धीरे धीरे तालाब में चला गया। जब वो डरा हुआ हिरन वहां के रुका, तब पेड़ पर बैठे कौए ने गौर से उसे देखा और कछुए को बुलाते हुए कहा, अरे भाई कछुए, तुम तालाब से बाहर आ जाओ, ये तो बस एक आम सा हिरन है, प्यासा होने के कारण शायद तालाब के पास आया होगा। कछुए ने कहा, अरे भाई कौए, ये हिरन सिर्फ प्यासा नहीं है, शिकारियों से डर कर यहाँ भाग कर आया है। ये सब सुनकर हिरन ने कहा, भाई कछुए, तुमने मेरे डर का कारण एकदम सही पहचाना है, मैं किसी तरह शिकारियों से जान बचाकर इधर भागते हुए आया हूँ, मुझे इनसे बचाने का कोई उपाय बता दो। कछुए ने बोला, नीति शास्त्र के हिसाब से 2 उपाय हो सकते हैं, शत्रु का सामना होने पर या तो उससे लड़ो वरना जान बचाकर भाग जाओ। चूहा झाड़ी से निकलते हुए बोला, आई हिरन, इस समय तो तुम्हारा जान बचाकर भागना ही ठीक रहेगा। इस बीच कौए ने इधर उधर चक्कर काट कर देख लिया था, वो आकर बोला, शिकारी अब उधर से ही लौट कर अपने घर चला गया है, इसीलिए हिरन भाई अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, पानी पियो और आराम से बैठो। इसी तरह उन चारों में दोस्ती हो गई, वो मजे से वहीं रहने लगे, रोज मिलकर बैठते, एक दूसरे के सुख दुख की बातें करते। एक दिन अचानक हिरन तालाब के किनारे नहीं आया, न जाने कहां गायब हो गया था। चिंता के मारे तीनों दोस्तों का बुरा हाल था। कौए ने सोचा कि उड़ान भरकर उसकी तलाश करनी चाहिए। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि हिरन एक छोटे से तालाब के किनारे जाल में फंसा पड़ा था। कौआ उसे देखकर बड़ा दुखी हुआ, उसने उसे हौसला देते हुए कहा, भाई हम जैसे दोस्तों के होते हुए तुम्हें जरा भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं अभी चूहे को लेकर आता हूँ, वो तुम्हारे बंधन काट देगा। कौए ने जाकर कछुए और चूहे को हिरन का हाल बताया। कुछ देर बाद कौए ने चूहे को पीठ पर बैठाया और हिरन की मदद करने के लिए उसके पास ले आया। अपने मित्र हिरन को जाल में फंसा देख चूहे को बड़ा दुख हुआ, उसने पल भर की देर न की और तुरंत ही जाल काटने में जुट गया। चूहा जाल काट ही रहा था कि अपने दोस्त की चिंता में डूबा हुआ कछुआ धीरे धीरे वहां आ गया। कौए ने कछुए को आते देखा और कहा, भाई तुमने यहाँ आकर ठीक नहीं किया, अगर हिरन को ढूंढते ढूंढते शिकारी यहाँ आ गया तो मैं तो उड़ जाऊंगा, चूहा भाई बिल में छिप जाएगा और हिरन भागकर जंगल में चला जाएगा, ऐसे में तुम्हारा क्या होगा। कौए ने ये बस बोला ही था कि सामने से शिकारी आता हुआ नजर आया। तब तक चूहे ने हिरन का जाल काट कर उसे आजाद कर दिया था। हिरन तुरंत ही जंगल की ओर भाग गया, चूहा बिल में जाके छिप गया और वहीं कौआ आसमान में उड़ गया। लेकिन बेचारा कछुआ अपनी धीमी रफ्तार की वजह से तालाब की तरफ जा ही रहा था कि तभी शिकारी ने उसे दबोच लिया और अपने साथ ले जाने लगा। ये सब देखकर चूहा रोते हुए बाहर आया और कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया, बेचारा कछुआ, अब हम क्या करें। चूहे ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए कहा, देखो दोस्तों, ये समय नहीं है दुखी होने का, हमें कुछ करना चाहिए, अपने दोस्त को बचाना चाहिए, इससे पहले शिकारी कछुए को लेकर कहीं दूर चला जाए, हमें कोई उपाय करना चाहिए। चूहे की ये बात सुनते ही कौए को एक उपाय आया, तो फिर ऐसा ही करते हैं,
शिकारी के रास्ते में आगे जो तालाब आएगा उसके पास हिरन सांस रोककर लेट जाएगा। तब शिकारी को लगेगा कि वो हिरन का आसानी से शिकार कर सकता है। तभी चूहा कछुए के बंधन काटेगा और उसे मौके का फायदा उठाकर हम लोग कछुए को बचा लेंगे और शिकारी को चकमा देकर वहां से भाग जाएंगे। सबको योजना पसंद आ गई और सबने बिल्कुल वैसा ही किया। हिरन को यूं तालाब के पास पड़ा देख शिकारी ने कछुए को नीचे रखा और हिरन की तरफ उसको पकड़ने के लिए बढ़ा। तभी चूहा जाल काटने में जुट गया। देखते ही देखते उनकी बनाई योजना काम कर गई। कछुआ जाल से छूटते ही तालाब में चला गया और उसी समय हिरन भी शिकारी को चकमा देकर भाग निकला। शिकारी के हाथ कुछ भी नहीं लगा और वो सर पीटता पीटता चला गया वहां से। चारों दोस्त मिलजुल कर आराम से उसी जंगल में रहने लगे और अपना समय बिताने लगे। इसीलिए कहती हूँ, हमेशा सोच समझ कर मित्र बनाने चाहिए। अच्छे मित्र सुख दुख में हमेशा काम आते हैं। हाँ, जैसे मेरे है ना, सबसे अच्छे फ्रेंड्स फॉरएवर। अभी कार्ड्स तो बन गए, अब एक और कहानी। आज के लिए इतना ही, अब अगली कहानी कल।